नमस्कारम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्कंडेश्वर महादेव से निकलकर मैं पहुंच गई हूं सीधे माँ भवानी के 350 साल पुराने मंदिर करनाल में। तो आज का जो दिन है ये होने वाला है कुरुक्षेत्र और करनाल का, और इस मंदिर के दर्शन के बाद मैं सीधे जाऊंगी ब्रह्म सरोवर, और उसके बाद होंगे सरोवर में स्थित सर्वेश्वर महादेव और बालाजी के दर्शन। तो गाइस, अभी मैं हूँ दानवीर कर्ण के नगरी करनाल में, और माना जाता है आज भी यहाँ कई सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं, और उनमें से एक है ये देवी माँ का मंदिर। ऐसे तो अंगराज कर्ण की कुल देवी माँ त्रिपुर सुंदरी थी, और यही कारण है कि उनकी नगरी जहाँ भी बसाई गई थी वहाँ पर माता के किसी भी विग्रह का पाया जाना या माता का मंदिर होना स्वाभाविक है। पुरोहितों और स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर 300 से 400 साल पुराना है, और भवानी माँ का ये मुख्य विग्रह कई सौ साल पहले यहाँ पर स्वयंभू ही पाया गया था। बहुत समय पहले यहाँ पर एक छोटा सा ही मंदिर हुआ करता था, जिसका जीर्णोद्धार करके ये भव्य रूप दिया गया है। इस मंदिर में जलने वाली जो अखंड ज्योत है वो माँ ज्वाला जी से लाकर यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ के पुरोहित जी का कहना है कि यहाँ पर आकर जो भी 40 दिन तक लगातार दीप दान करता है और कोई भी वर मांगता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। मंदिर के अंदर 400 साल पुराना शिवलिंग भी मौजूद है, और साथ ही साथ उतनी ही पुरानी हनुमान जी की एक विग्रह भी मौजूद है। इस मंदिर में माता के मुख्य विग्रह के अलावा भी कई सारे देवी देवताओं के विग्रह स्थापित किए गए हैं। उसके साथ ही साथ माता के कई सारे रूप और भगवान विष्णु के कई सारे रूपों के भी विग्रह यहाँ पर स्थापित है। मंदिर के अंदर के वॉल्स में कई सारी कार्विंग्स बनाई गई है, जो कार्विंग्स हमारे पौराणिक कथाएं और हमारे इतिहास से जुड़े हुए घटनाओं के बारे में है। उदाहरण के लिए आप ये कुछ कार्विंग्स की झलकियां देख सकते हैं, जैसे कि ये वाली कार्विंग जिसमें श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, और उसी समय इसके पीछे उनके माता पिता के सेवा भाव को और उनके मृत्यु के क्षण को दर्शाया गया है, और यह है ऋषि मार्कंडेय के तपस्या को दर्शाने वाला दृश्य। मंदिर प्रांगण के भीतर ही राम दरबार भी मौजूद है। यह मंदिर करनाल के पुराने बस अड्डे के सामने ही स्थित है। आप अगर इस मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ का समय जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुली होती है, और उसके बाद जो पट है बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे के बाद ही पट खुलता है। माता के दर्शन के बाद अब मैं निकल रही हूँ कुरुक्षेत्र के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र में आज का दिन व्यतीत करने के बाद कल का पूरा दिन मैं बनाऊंगी वन डे का फुल टूर वीडियो, ताकि आप अगर कुरुक्षेत्र केवल एक दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस एक दिन में कुरुक्षेत्र को पूरी तरह से कैसे घूम सकते हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचकर सबसे पहले मैं आ गई हूँ ब्रह्म सरोवर। ये यहाँ का सबसे ज्यादा माना जाने वाला स्थान है। ये सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, और इसी स्थान पर सरोवर के बीच में स्थित है सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। सबसे पहले मैंने महादेव के दर्शन किए। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशंस के हिसाब से ये मंदिर 18वीं शताब्दी में हरिगिरी गोसाई द्वारा रिनोवेट करवाया गया था, क्योंकि उससे पहले मुगल काल में इस मंदिर को भी डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा था। इस मंदिर का जो शिवलिंग है ये काफी पौराणिक माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर गुरु साम्राज्य के लोग और राजघराने के लोग भी पूजा पाठ करने आया करते थे, और ये शिवलिंग बलुआ पत्थर से बनाया गया है।
महादेव के दर्शन के पश्चात अब समय है सरोवर के परिक्रमा लगाने का। कई सारे पौराणिक हिंदू स्क्रिप्चर्स में इस सरोवर का उल्लेख ऑलरेडी पाया जाता है। उन्हीं स्क्रिप्चर्स के अनुसार इस सरोवर का जो निर्माण है वो महाराजा कुरु द्वारा करवाया गया था, और इस स्थान पर इस सरोवर के निर्माण करवाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पश्चात पहला यज्ञ किया था। यह कुरुक्षेत्र के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के पश्चात यहाँ पर किया जाने वाला स्नान हजारों अश्वमेध यज्ञों के आयोजन के समान होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। यह सरोवर 3.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सरोवर के चारों तरफ महाभारत काल तथा पुराणों से जुड़े कई कथाओं का वर्णन कार्विंग्स के द्वारा किया गया है, और यह कार्विंग्स देखने में बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग है। ये कार्विंग्स गिनती में 800 से भी अधिक है। इन कार्विंग्स में अधिकांशतः महाभारत से जुड़े हुए कथाओं का उल्लेख है, पर उसके अलावा रामायण और शिव पुराण से जुड़ी कथाएं भी यहाँ पर कार्विंग में दर्शाई गई है। आपके पास अगर समय हो और आप अगर समय निकालकर ध्यान से इन कार्विंग्स को देखें, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी न किसी कार्विंग्स में कहीं पर रामायण की झलकी, कहीं पर महाभारत की झलकियां, तो कहीं पर रावण से जुड़ी कुछ कहानियां, कहीं पर आपको अलग अलग पुराणों से जुड़े हुए अलग अलग कथाओं का वर्णन दिखेगा। और खासकर यहाँ पर पूरा का पूरा महाभारत काव्य किया गया है। जैसे कि ये कार्विंग वो युद्ध स्थल में घटोत्कच को दर्शाता है। इसी प्रकार बाणों से छल्ली किए हुए भीष्म पितामह से ज्ञान लेते हुए ये पांडव का दृश्य है। फिर ये वो कार्विंग है जब रावण महादेव के तपस्या में लीन थे। आज तक जो आप कहानियों में सुनते आए हैं, जो आपने अपने किताबों में, पुराणों में, इतिहास में पढ़ा होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दृश्यांगत हो सकता है। तो जब भी आप यहाँ आए, इन कार्विंग्स को बहुत ध्यान से देखें और अपने आप को पीछे उस समय में लेके जाएं, तो आपको इनकी खूबसूरती और भी अच्छे से समझ आएगी। इन कार्विंग्स के पीछे का इनिशिएटिव मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग यहाँ अपने परिवार के साथ आते हैं। कईयों को इतिहास का पता होता है और कईयों को नहीं पता होता, पर जो भी यहाँ दर्शन के लिए या मेला के इच्छा से आएंगे, उनको भी इन कार्विंग्स को देखकर अपने पीछे के समय के बारे में जानने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। कुरुक्षेत्र में न जाने ऐसे और भी कितने स्थान हैं जहाँ पर जाकर आपको बहुत कुछ पता चलता है। तो ऐसे ही कल का मेरा पूरा का पूरा दिन का प्लान है कि मैं कर्ण के टीले से लेकर शुरुआत करूं और पूरे कुरुक्षेत्र को कवर करूं और आप तक इससे भी अधिक बढ़कर जानकारी लेकर आऊं। कार्विंग्स को देखते हुए परिक्रमा कब पूरी हो गई मुझे पता भी नहीं चला। तो धीरे धीरे ये परिक्रमा पूरी होने वाली है और इसके बाद मैं सीधे जाऊंगी तिरुपति बालाजी टेम्पल, जो तिरुपति ट्रस्ट द्वारा ही बनवाया गया है। जो यहाँ नहीं आए हैं कभी, उनको ये लगता होगा कि यहाँ पर सरोवर है, मंदिर है, इतना सब कुछ है, तो युद्ध स्थल कहाँ पर है। एक्चुअली में ये पूरी की पूरी जमीन ही वो है जहाँ पे युद्ध स्थल था, पर उस युद्ध स्थल के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए थे और यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े हवन हुए हैं, इसी कारण ये भूमि आज भी पवित्र मानी जाती है। और इस भूमि के ऊपर ही ये सभी मंदिरों का निर्माण हुआ है और आगे और भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में आपको यहाँ पर कोई युद्ध का मैदान नहीं दिखने वाला है। यहाँ पर आप जिस भी स्थान पर खड़े हैं, चाहे वो सड़क है, मंदिर है, कोई भी स्थान है, ये पूरा का पूरा एरिया उस समय पर युद्ध स्थल ही था।
हालांकि ज्योतिषार के मंदिर में जहाँ पर भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था वहां पर इस समय वो वटवृक्ष है, जो भी वटवृक्ष उस समय भी मौजूद था, तो इसी कारण उस जगह को बहुत ही दिव्य माना जाता है। तो आप वहां पर युद्ध के मैदान के उस एक झलक को महसूस कर सकते हैं उस वटवृक्ष को साक्षी मानकर। और कल मैं वहां भी जाने वाली हूँ। इस सरोवर में कई सारे घाटों का निर्माण किया गया है ताकि स्त्री और पुरुष के स्नान में कोई परेशानी ना आए। स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान बनाया गया है। जो भी यहाँ स्नान करने आते हैं स्नान के बाद इस पूरे सरोवर की परिक्रमा जरूर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है इस सरोवर की परिक्रमा लगाना त्रिदेवों की परिक्रमा लगाने के समान ही है। इस सरोवर का उल्लेख महाभारत की कथा में भी आता है, जब दुर्योधन युद्ध के अंतिम दिन भीम से अपने प्राण बचाने के लिए इसी सरोवर के भीतर छुप जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इस स्थान पर नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह के समय गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है और इस समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग दूर दूर से गीता जयंती के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि उस समय विदेशी पर्यटक भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो महादेव और सरोवर के दर्शन के पश्चात यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है बालाजी का मंदिर, जो तिरुपति बालाजी का ही एक ब्रांच है। तो मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ बालाजी के दर्शन के लिए। बालाजी का ये मंदिर काफी खूबसूरत है, हालांकि यहाँ पर अंदर वीडियो बनाना मना है, इसीलिए मैंने दर्शन करने के बाद बाहर की ही फुटेज रिकॉर्ड की है। इस सरोवर के पास ही कई सारे मंदिर हैं और अभी भी कई सारे मंदिरों का निर्माण चल रहा है और खासकर यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो बिरला गीता मंदिर और बाबा नाथ हवेली जरूर जाते हैं। तो गाइस बालाजी के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल रही हूँ वहाँ के लिए जहाँ पर है मेरे रेस्ट का इंतज़ाम। तो मैं जाकर वहाँ पर रेस्ट करूँगी, क्योंकि अगले वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ फुल डे कुरुक्षेत्र टूर का एक पूरा वीडियो, जिसमें मैं एक ही दिन में पूरा कुरुक्षेत्र कवर करने वाली हूँ। और उस वीडियो को देखकर आप भी अपना वन डे कुरुक्षेत्र प्लान बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ईश्वर आप सभी को सुखी रखे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।